राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा प्रदेश में छात्र संघ चुनावों पर रोक लगाने के बाद प्रदेश में जहां छात्र नेता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं, तो वहीं अजमेर के सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय के बाहर NSUI व ABPV के छात्र नेताओं ने जमकर प्रदर्शन किया व सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बुधवार को छात्र नेताओं ने कॉलेज के बाहर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और मुख्य मार्ग पर जाम लगा दिया। गुस्साए छात्र नेताओं ने बैरिकेडिंग को भी गिरा दिया, जिसके बाद वहां मौजूद पुलिस कर्मियों और छात्र नेताओं के बीच में धक्का मुक्की हुई, जिसमें प्रदर्शन कर रहे छात्र नेताओं के कपड़े फट गए। लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और रोड जाम कर रहे छात्र नेताओं को हिरासत में भी लिया। सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय के ABVP छात्र संघ अध्यक्ष सुरेंद्र गुर्जर ने बताया कि छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्र नेता कैंपस में तैयारी कर रहे थे, लेकिन सरकार ने चुनाव पर रोक लगाने के बाद उनमें रोष है, उनके सपने टूट गए, जिसको लेकर लगातार छात्र नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। सुरेंद्र गुर्जर ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सभी कैंपस जीतती है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री में भय है। ABVP की जीत से आगामी विधानसभा चुनाव में गलत मैसेज जाएगा, इसलिए चुनाव पर रोक लगाई है, इसको लेकर आज प्रदर्शन किया गया है। अगर सरकार ने छात्र संघ चुनाव नहीं कराए तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन किया जाएगा। हाँ जी, आज किस तरह से प्रदर्शन कर रहे थे और क्या हुआ? आज हमारे कैंपस में जितने भी युवा साथी जो इस कैंपस में तैयारी कर रहे थे, उन सब के से यहाँ आक्रोश से धरना प्रदर्शन पे बैठे और मैं भी उनके साथ था। लेकिन गहलोत सरकार ने जिस प्रकार चुनाव पे रोक लगाई है, वो उनके एक सपने को मारा गया है, ये सरासर गलत है और उसी के ऊपर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया है और ये एक संदेश पहुँचा है कि जल्द से जल्द चुनाव चालू किए। पुलिस द्वारा छात्रों को भी ले जाया गया जी, पुलिस द्वारा हमारे चार पांच छात्र नेताओं को उठा लिया गया है, लेकिन इससे हमारा संगठन डरने वाला नहीं है, इससे हम और कैंपस में मजबूत होंगे, सदैव छात्रों के लिए लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे। क्या लगता है आपको, एक तरफ प्रदेश में चुनाव की घोषणा नहीं है, दूसरी तरफ सरकार छात्रों को क्या लाठी से डराएगी? जी, ये इनकी लाठी से डरने वाले नहीं है, हमारे विद्यार्थी परिषद संगठन सदैव छात्रों के लिए लड़ता है और आगे भी लड़ेगा। विधानसभा चुनाव को लेकर जिस प्रकार सरकार के मन में भय है कि कहीं विद्यार्थी परिषद सभी कैंपस जीतती है तो वो उनके ऊपर एक बहुत बड़ा नेगेटिव मैसेज जाएगा, वो देखकर सरकार ने ये जो रोक लगाई है, ये हमारे छात्रों के सपनों के साथ अनंत नाम बताइए। चुनाव की घोषणा नहीं होती तो क्या रणनीति रहेगी, क्या आंदोलन रहेगा? जी हम उग्र, ये तो एक छोटा मोटा सैंपल था, आगे उग्र आंदोलन। आपका सुरेंद्र गुर्जर, छात्र संघ अध्यक्ष, गवर्नमेंट कॉलेज। घर की सजावट के लिए जरूरी है इंटीरियर, और यदि आप फर्नीचर खरीदने की सोच रहे हैं तो देर मत कीजिए, क्योंकि उदयपुर के प्रसिद्ध फर्नीचर निर्माता पूनम फर्नीचर पर उपलब्ध है सभी तरह के उच्च क्वालिटी फर्नीचर और साथ में फाइनेंस सुविधा भी। हॉस्पिटल, होटल और कॉलेज जैसे टर्न की प्रोजेक्ट में महारत हासिल, घर की सजावट या शादी के लिए खरीदना है फर्नीचर तो जरूर आइए पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, उदयपुर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट 9783262618 एंड 9828141898।